आज मैं कैलेंडर पढ़ाने वाला हूं। चलिए शुरू करते हैं। और सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आज मैं किस तरह का प्रश्न को डिस्कस करने वाला हूं। अगर आप पहले से जानते होंगे तो इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है, समय को बर्बाद नहीं करना है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। पहला प्रश्न है, प्रथम स्वतंत्रता दिवस जो 15 अगस्त 1947 को मनाया गया कौन सा दिन था। दूसरा प्रश्न है, प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया कौन सा दिन था। तीसरा प्रश्न है, 19 अक्टूबर 2000 को कौन सा दिन था। चौथा प्रश्न है, 28 मई 2006 को सप्ताह का कौन सा दिन था। इस तरह का प्रश्न है। अगर इस तरह का प्रश्न आप सॉल्व कर लेते हैं, आपके अंदर कॉन्फिडेंस है, किसी भी तरह का कोई डाउट नहीं है, तो इस वीडियो को देखने का जरूरत नहीं है। अगर आप नहीं जानते हैं, आप सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर आखिरी तक जरूर देखिएगा। वीडियो को बढ़ा बढ़ा के नहीं देखिएगा, वीडियो को फास्ट करके देख सकते हैं। अब इस तरह का प्रश्न को सॉल्व करने के लिए क्या क्या जरूरी पड़ेगा, सबसे पहले सीखना होगा और सीखने के लिए अब जाना होगा वापस। तो मैं चला जाता हूं वापस। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है। अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। सबसे पहले समझना है कि कैलेंडर में क्या क्या होता है। कैलेंडर में वर्ष होता है, महीना होता है, सप्ताह होता है, दिन होता है, तिथि होता है। इसके बाद आपको समझना है साधारण वर्ष के बारे में। वर्ष दो तरह का होता है, साधारण वर्ष और लीप वर्ष। तो अब समझना है साधारण वर्ष के बारे में। एक बार अच्छा से समझने का प्रयास कीजिएगा। साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। फिर से समझना है, साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकेंड होता है। इसको पूरा पूरी 6 घंटा लेके चलते हैं। अब आपको समझना है साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है, लेकिन दिन में हम लोग पूरा पूरी 365 दिन लेके चलते हैं। अब आपको समझना है साधारण वर्ष में एक वर्ष में 365 दिन होता है, अगर सप्ताह में बदलेंगे तो कितना होगा। तो सप्ताह में बदलने के लिए 7 से डिवाइड करना होगा। साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन होता है और 7 से डिवाइड करेंगे तो सप्ताह में बदल जाएगा। तो 7 से डिवाइड करेंगे तो भागफल 52 आएगा और एक शेष बच जाएगा। तो भागफल 52 आया, इसका मतलब 52 सप्ताह होता है एक साल में, और एक शेष बच गया है, वो क्या है, एक्स्ट्रा दिन। अब समझने का कोशिश कीजिएगा, दिन ज्ञात करने के लिए, दिन मालूम करने के लिए एक्स्ट्रा दिन का ही खेल है। अगर आप एक्स्ट्रा दिन निकालने के लिए सीख गए तो बहुत ही आसान तरीके से प्रश्न सॉल्व होने लगेगा। अब आपको हमेशा के लिए याद कर लेना है, साधारण वर्ष में एक साल में कितना दिन होता है, 365 दिन होता है, और एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, तो एक होता है। कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष में 365 दिन होता है, अगर 7 से डिवाइड करेंगे तो एक शेष बचेगा, यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितना है, एक है। ये समझ में आ गया होगा। और एक चीज आपको समझना है, कैसे समझेंगे, कैसे मालूम करेंगे कि कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है या लीप वर्ष है। वर्ष दो तरह का होता है, एक साधारण वर्ष और एक लीप वर्ष। तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा वर्ष लीप वर्ष है और कौन सा वर्ष साधारण वर्ष है। अगर 4 से पूरा पूरा डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा, और 4 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं होगा तो साधारण वर्ष होगा। जैसे यहाँ पर उदाहरण में दिया हुआ है 1726, अगर 1726 को आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। 1982 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, तो ये क्या है, साधारण वर्ष है। लेकिन अब यहाँ पर आपको समझना है, अगर 1800 को अगर आप 4 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, लेकिन फिर भी ये साधारण वर्ष है। क्यों? अब यहाँ पर आपको समझना है सेंचुरी वर्ष। सेंचुरी वर्ष का मतलब जैसे 1200, 1300, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, ये क्या है, सेंचुरी वर्ष है। तो सेंचुरी वर्ष को आप कैसे समझेंगे कि ये साधारण वर्ष है कि लीप वर्ष है। तो सेंचुरी वर्ष को लीप वर्ष और साधारण वर्ष जानने के लिए 400 से डिवाइड करना पड़ता है। अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया, 400 से पूरा का पूरा डिवाइड हो गया तो लीप वर्ष होगा, अगर 400 से पूरा का पूरा डिवाइड नहीं हुआ तो वो साधारण वर्ष होगा। तो यहाँ पर 1800 दिया हुआ है, अगर आप इसको 400 से डिवाइड करेंगे,
अब यहाँ पर आपको समझना है ये लीप वर्ष है या साधारण वर्ष है, तो इसके लिए आपको 400 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड नहीं होगा, इसका मतलब ये साधारण वर्ष है। समझने का कोशिश कीजिएगा, और किसी भी तरह से कहीं पर डाउट हो, कन्फ्यूजन हो, समझने में प्रॉब्लम हो रहा है तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूँगा। अब आगे समझना है लीप वर्ष के बारे में। अब समझना है लीप वर्ष के बारे में। लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होता है, तो इसमें एक दिन कहाँ से आ गया, एक दिन कैसे बढ़ गया, ये समझने का कोशिश कीजिएगा। 2020 लीप वर्ष है, 2021 आएगा, समझने का कोशिश कीजिएगा। 2021 कैसा वर्ष है, तो साधारण वर्ष है, और साधारण वर्ष में एक साल में 365 दिन 6 घंटा होता है, तो 6 घंटा को हम लोग छोड़ देते हैं तो यहाँ पर 6 घंटा बच जाएगा। इसके बाद 2022 में भी 6 घंटा बच जाएगा क्योंकि साधारण वर्ष है, 2023 भी साधारण वर्ष है तो इसमें भी 6 घंटा बच जाएगा, और 2024 जो होगा ये लीप वर्ष होगा, इसमें भी 6 घंटा, यानी कि 6-6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 24 घंटा हो जाएगा। 24 घंटा का मतलब एक दिन, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो क्या होता है, यानी कि हर एक चौथा वर्ष लीप वर्ष होता है, और लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है, तो यही बढ़ जाता है, यानी कि 6-6 घंटा जो बचता है उसको जब ये एक दिन में बदल जाता है उसको जोड़ देते हैं, यानी कि लीप वर्ष में एक दिन बढ़ जाता है। तो फरवरी महीना क्या होता है, यानी कि 29 दिन का होता है, और साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है, ये आपको याद करते जाना है। साधारण वर्ष में फरवरी महीना 28 दिन का होता है और लीप वर्ष में फरवरी महीना 29 दिन का होता है, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। एक बार अच्छा से समझते जाना है, अगर एक बार अच्छा से समझ लेंगे तो फिर प्रश्न को सॉल्व करने में बहुत ही आसान होगा। अब यहाँ पर आपको समझना है लीप वर्ष में एक साल में 366 दिन होता है, अगर इसको सप्ताह में बदलेंगे तो 7 से डिवाइड करना होगा, तो 52 सप्ताह और एक्स्ट्रा दिन 2 बच जाएगा, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे 366 को तो शेष कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो अब यहाँ पर 2 को एक्स्ट्रा दिन कहेंगे, यानी कि लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 2 होता है, ये आपको हमेशा के लिए याद करना है, प्रश्न को सॉल्व करने में आसान होगा। साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 1 होता है, लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 2 होता है। अब यहाँ पर उदाहरण दिया हुआ है, 1620, 1660, 1940, 2004, 2020, ये कैसा वर्ष है, तो लीप वर्ष है, बिल्कुल समझ में आ रहा होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट, यहाँ पर आपको समझना है सेंचुरी लीप वर्ष के बारे में, समझने का कोशिश कीजिएगा। तो सबसे पहले आपको समझना है सेंचुरी वर्ष के बारे में, समझने का कोशिश कीजिएगा। जैसे 1300 ये सेंचुरी वर्ष है, 1200 सेंचुरी वर्ष है, 1700 सेंचुरी वर्ष है, 2400 सेंचुरी वर्ष है, 1600 सेंचुरी वर्ष है। अब यहाँ पर आपको समझना है सेंचुरी लीप वर्ष के बारे में। अब आपको बताना है ये सभी क्या है, सेंचुरी वर्ष है, लेकिन इसमें से कौन सा सेंचुरी लीप वर्ष है, कैसे जानेंगे, तो 400 से पूरा पूरा जो डिवाइड हो जाएगा वो सेंचुरी लीप वर्ष कहलाएगा। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये सेंचुरी लीप वर्ष नहीं है। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, तो ये सेंचुरी लीप वर्ष है। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड होगा, नहीं होगा, तो ये सेंचुरी लीप वर्ष नहीं है। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये सेंचुरी लीप वर्ष है। अगर इसको 400 से डिवाइड करेंगे तो पूरा पूरा डिवाइड हो जाएगा, ये सेंचुरी लीप वर्ष है, बिल्कुल समझ में आ गया है। तो यहां पर देख लीजिए, 400, 800, 1200, 1600, 2000, 2400, ये सेंचुरी लीप वर्ष है। अब इसमें क्या होता है, यहां पर आपको याद कर लेना है, याद करते चलना है। तो पहला नंबर में यहाँ पर देख लीजिए, पूरा पूरा सप्ताह में होता है, कहने का मतलब है कि साधारण वर्ष में जब सप्ताह में बदलते हैं तो एक दिन एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, लीप वर्ष में सप्ताह में बदलते हैं तो 2 दिन एक्स्ट्रा दिन बच जाता है, लेकिन सेंचुरी लीप वर्ष में पूरा पूरा सप्ताह में होता है, यानी कि एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। अब आपको अपने मन में बैठा लेना है कि सेंचुरी लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है, इसमें लिखा हुआ है इसमें एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है। अब चलते हैं नेक्स्ट, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब दिन बताने के लिए मैंने क्या बोला था कि दिन बताने के लिए, दिन ज्ञात करने के लिए एक्स्ट्रा दिन का ही खेल है। आप एक्स्ट्रा दिन निकालेंगे, एक्स्ट्रा दिन निकाल के देखेंगे कि एक्स्ट्रा दिन कितना आ रहा है। अगर एक्स्ट्रा दिन 0 आया तो रविवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 1 आया तो सोमवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 2 आया तो मंगलवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 3 आया तो बुधवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 4 आया तो बृहस्पतिवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन
5 आया तो शुक्रवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 6 आया तो शनिवार होगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। एक चीज और सीखना है, समझने का कोशिश कीजिएगा, 100 साल में एक्स्ट्रा दिन 5 होता है तो 200 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा, 10 हो जाएगा। 300 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना होगा तो 15 हो जाएगा। ये आपको याद करना है, बाकी मैं याद करने के लिए नहीं कहूँगा, सीखने के लिए कहूँगा। एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे तो प्रश्न बहुत ही आसान तरीके से सॉल्व होने लगेगा। अब चलते हैं प्रश्न की ओर। सबसे पहले आसान प्रश्न को सॉल्व करना है तो मैं चला जाता हूँ दूसरा नंबर में। दूसरा नंबर पहला नंबर से थोड़ा आसान है, समझने का कोशिश कीजिएगा इसमें क्या है। सबसे पहले प्रश्न को अच्छा से समझ लेना है। प्रथम गणतंत्र दिवस जो 26 जनवरी 1950 को मनाया गया कौन सा दिन था, बहुत ही आसान प्रश्न है और वीवीआई प्रश्न है, इस तरह का प्रश्न एग्जाम में आता है। तो कौन सा वर्ष दिया हुआ है, 1950 दिया हुआ है, तो आपको एक माइनस करके लेना है। माइनस क्यों करेंगे, क्योंकि 1950 कंप्लीट नहीं हुआ है, तो एक माइनस करेंगे तो 1949 मिलेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। समझने का कोशिश कीजिएगा, जो भी वर्ष दिया हुआ रहेगा एक माइनस करके लेंगे तो यहां पर 1950 दिया हुआ है, तो एक माइनस करेंगे तो 1949 मिलेगा जो कि कंप्लीट हो चुका है। और 1950 कंप्लीट नहीं हुआ है, सिर्फ और सिर्फ जनवरी महीना 26 तारीख तक गया है, तो यहां पर लिखेंगे 1950 कहां तक गया है, यानी कि जनवरी महीना सिर्फ और सिर्फ 26 तारीख तक गया है, तो यहाँ पर 26 दिन लिखेंगे। इस तरीके से सबसे पहले आपको लिखना है। अब यहाँ पर चेंज करना है, यहाँ पर चेंज करने के लिए आपको अच्छा से समझना है, इसको ऐसा तोड़ना है, इसको ऐसा तोड़ना है जिसमें इसके जस्ट पीछे का सेंचुरी लीप वर्ष आना चाहिए, सेंचुरी लीप वर्ष आना चाहिए। सेंचुरी लीप वर्ष के बारे में बता चुका हूँ, यानी कि 800, 1200, 1600, ये क्या है, सेंचुरी लीप वर्ष है। अगर इसको तोड़ेंगे तो यहाँ पर देख लीजिए 1600 प्लस 300, अब यहाँ पर देखिए 1900 हो चुका है और यहाँ पर लिखेंगे 49 और यहाँ पर क्या है, 26 दिन है। समझने का कोशिश कीजिएगा, मैं सब कुछ पहले बता चुका हूँ। सेंचुरी लीप वर्ष में, यानी कि 1600 क्या है, सेंचुरी लीप वर्ष है, तो सेंचुरी लीप वर्ष में कोई भी एक्स्ट्रा दिन नहीं होता है, तो यहाँ पर हो जाएगा 0। और 300 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 15 होता है, मैं पहले बता चुका हूँ। समझने का कोशिश कीजिएगा, 300 साल में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, तो 15 होता है। जहाँ पर भी 7 से बड़ा अमाउंट आएगा आपको 7 से डिवाइड करना है और जो शेष बचेगा उसको लेके चलना है। तो इसको 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 × 2 = 14, एक शेष बच रहा है, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब यहाँ पर आ जाते हैं, तो यहाँ पर आपको समझना है, यहाँ पर क्या है, 49 साल। अब यहाँ पर आपको अच्छा से समझना है, अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, 49 वर्ष में कुछ लीप वर्ष होगा और कुछ साधारण वर्ष होगा, तो कैसे जानेंगे कि 49 वर्ष में कितना लीप वर्ष है और कितना साधारण वर्ष है, समझने का कोशिश कीजिएगा। इसके लिए आपको क्या करना है, 49 को 4 से डिवाइड करना है, पूरा पूरा जो डिवाइड होगा वो हो जाएगा लीप वर्ष और बाकी हो जाएगा साधारण वर्ष। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 × 1 = 4, 4 × 2 = 8, यानी कि 12 हो जाएगा लीप वर्ष और बाकी हो जाएगा साधारण वर्ष। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो 49 वर्ष में 12 लीप वर्ष मिल चुका है, 49 वर्ष में 12 माइनस कर देंगे तो कितना आएगा, यानी कि 37 आ जाएगा। तो 49 वर्ष में 12 है लीप वर्ष और 37 है साधारण वर्ष, समझने का कोशिश कीजिएगा। अब यहां पर आपको समझना है, एक साधारण वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, यानी कि 1 होता है, तो यहाँ पर 37 साधारण वर्ष है, तो एक्स्ट्रा दिन कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है। लीप वर्ष में समझना है, एक लीप वर्ष में एक्स्ट्रा दिन कितना होता है, 2 होता है, तो 12 लीप वर्ष में कितना हो जाएगा, यानी कि 12 × 2 = 24। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, यानी कि यहाँ पर आ गया है एक्स्ट्रा दिन इतना, लेकिन 7 से बड़ा आ रहा है तो 7 से आपको डिवाइड करके लेना है। समझने का कोशिश कीजिएगा, तो इसको सबसे पहले जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 4 = 11, उसके बाद 3 × 2 = 5 और 1 = 6, यानी कि 61 आ गया। तो क्या करना है, 7 से डिवाइड करके लेना है, यानी कि 7 से डिवाइड करेंगे जो शेष बचेगा उसको लेना है, यानी कि एक्स्ट्रा दिन को लेना है। हमेशा आपको एक्स्ट्रा दिन में बदलने के लिए 7 से डिवाइड करते रहना है, जहां पर भी 7 से बड़ा अमाउंट आएगा। अब यहां पर देख लीजिए, जैसे यहां पर 61 आ गया तो 7 से डिवाइड करेंगे, जो एक्स्ट्रा दिन आएगा उसी को लेके चलना है।
तो 7 8 56, 7 8 56 यानी कि एक्स्ट्रा दिन कितना आ गया, शेष कितना आ गया, 5 आ गया, तो यहाँ पर 5 रखेंगे। समझने का कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान है, एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब आना है यहाँ पर, इसके लिए तो हो गया, अब आ जाना है आपको यहाँ पर, ये दिन में है, समझने का कोशिश कीजिएगा, यानी कि 1950 सिर्फ और सिर्फ कहाँ तक गया था, यानी कि जनवरी महीना 26 तारीख तक, यानी कि ये 26 दिन है, तो इसको क्या करेंगे, 7 से डिवाइड करेंगे एक्स्ट्रा दिन मालूम करने के लिए। तो 26 को 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 या 21, शेष कितना बच रहा है, यानी कि 5 बज रहा है, तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन, यानी कि इसमें एक्स्ट्रा दिन कितना आया, 5 आया। अब क्या करेंगे, फिर से सभी को जोड़ेंगे, तो सभी को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 5 5 10 और 1 11, समझने का कोशिश कीजिएगा, 11 आ गया, यानी कि 7 से बड़ा आ गया। जब भी 7 से बड़ा आएगा तो आपको 7 से डिवाइड करना है, जो शेष बचेगा उसी को लेके चलना है, तो यहाँ पर 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 एकम 7, शेष कितना बचेगा, अब यहाँ पर समझने का कोशिश कीजिएगा, तो शेष कितना बचेगा, 4 बचेगा, 4 बच गया। तो मैंने क्या बोला था कि दिन बताने के लिए आपको एक्स्ट्रा दिन ज्ञात करना है, तो हम लोग कंप्लीटली फाइनली एक्स्ट्रा दिन मालूम कर चुके हैं कि एक्स्ट्रा दिन कितना आया है, 4 आया है, तो 4 आया है तो कौन सा दिन होगा, एक बार मैं दिखा देता हूं, समझने का कोशिश कीजिएगा, यहां पर देख लीजिए, जब एक्स्ट्रा दिन 0 आएगा तो रविवार होगा, जब एक्स्ट्रा दिन 2 आएगा, एक्स्ट्रा दिन 1 आएगा तो सोमवार होगा, 2 आएगा तो मंगलवार होगा, 3 आएगा तो बुधवार होगा, अगर एक्स्ट्रा दिन 4 आएगा तो बृहस्पतिवार होगा, एक्स्ट्रा दिन 5 आएगा तो शुक्रवार होगा, एक्स्ट्रा दिन 6 आएगा तो शनिवार होगा, बिल्कुल समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पर एक्स्ट्रा दिन आया है 4, तो कौन सा दिन होगा, बृहस्पतिवार होगा। एक बार अच्छा से सीखना है, समझना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। अब मैं आप लोगों को मैं प्रश्न दे देता हूँ, पहला नंबर प्रश्न है, इसको सॉल्व करने का प्रयास करना है, अगर नहीं बन पाएगा तो कमेंट में लिख के बताइएगा, मैं फिर से समझाने का प्रयास करूंगा। दूसरा नंबर को मैंने सॉल्व कर दिया, और तीसरा नंबर को सॉल्व करना है, चौथा नंबर को सॉल्व करना है, पांचवा नंबर को सॉल्व करना है, छठा नंबर को सॉल्व करना है, सातवां नंबर को सॉल्व करना है, आठवां नंबर को सॉल्व करना है, और नौवां नंबर को सॉल्व करना है। 9 प्रश्न आपको मैंने दे दिया, 9 प्रश्नों को सॉल्व करके देखना है, और सबसे पहले सीखना है, सीखने का प्रयास करना है, अगर एक बार अच्छा से सीख लेंगे, समझ लेंगे, तो फिर कभी कोई दिक्कत नहीं होगा। आज के लिए इतना ही, जय हिंद, वंदे मातरम।